नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद सहारनपुर के प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर पर लगी शिव भक्तों की भारी भीड़। भगवान शिव का बेलपत्र दूध गंगा जल से किया गया अभिषेक। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के शिवालय पर उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। हर शिवालय पर भक्तों ने किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के रोहाना चौकी प्रभारी परवेश शर्मा ने रोहाना मिल स्थित शिव मंदिर पर किया भगवान शिव का जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में शिवालयों पर बढ़ती शिव भक्तों की भीड़ को लेकर रोहाना चौकी प्रभारी टीम के साथ रहे मुस्तैद, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना खुर्द के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर हटवाई गई पुरानी खंडित मूर्तियां, नई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लाख से अधिक की अवैध शराब की बरामद, 2 अभियुक्त भी दबोचे। गाजियाबाद से सांसद व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में किया अपनी धर्म पत्नी के साथ जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के गांव भंडूर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर लगा शिव भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र स्थित सलारपुर बस स्टैंड के निकट बाइक सवार ने सड़क पार कर रही युवती को मारी टक्कर, पुलिस ने दोनों घायलों को कराया CHC में भर्ती। उत्तर प्रदेश के आगरा में कंटेनर और स्कॉर्पियो कार की हुई भिड़ंत, हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, बेलपत्र, भांग, धतूरे आदि से की भगवान शिव की पूजा अर्चना, पवित्र गंगा जल से किया अभिषेक। मुजफ्फरनगर में मिलावट खोरों पर शिकंजा कसने को तैयार प्रशासन, फूड सेफ्टी विभाग की वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 30 मंसूरपुर से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार रालोद नेता संजय राठी ने किया जनसंपर्क, लोगों से सहयोग की अपील की। शामली के चौसाना में चाकू मारकर 1 लाख रुपए की लूट की घटना का मामला निकला फर्जी, बहन की शादी में रुपए देने से बचने के लिए रचा था ड्रामा। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत घासीपुरा से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अरविंद उर्फ बल्लू ने किया जनसंपर्क, डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की। शामली के झिंझाना उन चौसाना क्षेत्र के शिवालयों पर किया शिव भक्तों ने जलाभिषेक, शिवालयों पर उमड़ी भारी भीड़। शामली के महिला थाना पहुंचा 3 फीट का अजीम मंसूरी, शादी की लगाई गुहार, कद के कारण नहीं हो पा रही है शादी। गोरखपुर में पूर्व बसपा नेता की गोली मारकर की हत्या, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की कर रहे थे तैयारी। फर्रुखाबाद में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर वृद्ध ने दी जान, मचा कोहराम। इंडोनेशिया में खाई में गिरी बस, 27 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत। आगरा के ताजमहल में शिव की आराधना करने पहुंचे हिंदू महासभा के लोग, CISF ने दबोचा। तीरथ सिंह रावत ने ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। देश में कोरोना वायरस से फिर बढ़े मामले, एक दिन में 22,854 नए केस। गुजरात में कोरोना वायरस के 675 नए मामले, 484 लोग हुए स्वस्थ। गाजीपुर में ग्राम विकास अधिकारी की पीट पीट कर हत्या, जौनपुर में तैनात अधिकारी जन्मदिन मनाने गए थे ढाबे पर।